रुक करते हैं भिवंडी के रेड लाइट क्षेत्र की ओर, जहां पर विशेष तौर पर श्री साई सेवा संस्था की अध्यक्ष स्वाति सिंह उर्फ खान द्वारा आप देख सकते हैं कि वहां पर जो महिलाएं हैं उन्हें अनाज के कीट के साथ साथ में मुस्लिम समुदाय का एक पावन त्यौहार ईद का त्यौहार, ऐसे में दूध और सेवैयाँ भी वितरण की गई। जहाँ पर बात की जाए तो पूरे देश में लॉकडाउन लगा हुआ है और इस लॉकडाउन में हर जरूरतमंद लोगों के लिए, मजदूरों के लिए कई सामाजिक संगठना, कई राजनीतिक दल के लोग अपने अपने तरीके से उनकी मदद करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो वहीं पर श्री साई सेवा संस्था की अध्यक्ष स्वाति सिंह ने भी एक पहल, एक अच्छी सोच के साथ में ऐसे क्षेत्र में जाकर अपने कदम को बढ़ाया जहां पर आप देख सकते हैं कि इस क्षेत्र को रेड लाइट क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। ऐसे में स्वाति खान जब से लॉकडाउन लगा हुआ तब से इन जरूरतमंद लोगों के बीच में जाकर कभी अनाज वितरण करती हैं, कभी भोजन, तो कभी हम आपको बता दें कि कोरोना वायरस से लड़ने के लिए सैनिटाइजर, मास्क, ग्लव्स भी वितरण करती हुई दिखाई दिए। पिछले 6 सालों से स्वाति खान सामाजिक कार्य में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती हैं, ऐसे में इनके कार्य की प्रशंसा पूरे भिवंडी शहर में की जाती है। आप देख सकते हैं कि जब ये अनाज का किट बांटा जा रहा था तो वहाँ पर सोशल डिस्टेंस को पूरी तरह से फॉलोअप किया गया। हम आपको बता दें कि तहसीलदार के माध्यम से, यानी कि शशिकांत गायकवाड़ जो कि तहसीलदार हैं, उनके माध्यम से इन सभी जरूरतमंद महिलाओं को अनाज के किट, तो वहीं पर हम आपको बता दें कि सना एम्बुलेंस के जो प्रोपराइटर हैं गुड्डू भाई, उनके माध्यम से दूध भी वितरण किया गया। जहां पर हम आपको बता दें कि स्वाति खान और उनकी पूरी टीम वहां पर उपस्थित थी। विशेष तौर पर आपको बता दें कि शाहिद खान जो कि पेशे से एक डॉक्टर हैं वो भी वहाँ पर उपस्थित थे, इस काम की उन्होंने भी प्रशंसा की। ऐसे में आप देख सकते हैं कि कुमारवाड़ा पुलिस स्टेशन के वहाँ पे सभी कर्मचारी अधिकारी उपस्थित थे, जिसमें हम आपको बता दें कि कुमारवाड़ा पुलिस स्टेशन के उप पुलिस निरीक्षक योगेश दाबाड़े, दत्त प्रसाद महाजन, किरण यादव, देवानंद पाटिल, अशोक कोकड़े सहित कई वहाँ पर ये सारे पुलिस बंदोबस्त पे थे। इनके हाथों से भी जरूरतमंद लोगों को अनाज वितरण किया गया। हमारे चैनल से वार्तालाप करते हुए स्वाति खान ने विशेष तौर पर भिवंडी वासियों और देशवासियों को कोरोना वायरस से बचने के लिए एक संदेश दिया, क्या कहा देखिए इस विशेष एपिसोड को। ऐसा नहीं है कि कोरोना वायरस हुआ है और लॉकडाउन हुआ है और इसलिए हम लोग यहाँ पर हेल्प करने के लिए आए। लगातार पिछले 6 साल से रेड लाइट एरिया में हमारा काम चल रहा है, उनकी उन औरतों के लिए, उनके बच्चों के लिए। यहाँ पे स्कूल है और जो भी सरकारी योजनाएं हैं वो उनके तक पहुँचने का हम लोग एक ज़रिया है या हम लोग एक कोशिश कर रहे हैं। और उसी लगभग में जो आज पूरा देश, पूरा वर्ल्ड आज जिस चीज़ को फेस कर रहा है कोरोना वायरस, उसकी वजह से इकोनॉमिकल भी कंडीशन काफ़ी लोगों की लेस हो रही है और भी प्रॉब्लम्स काफ़ी डेवलप हो रहे हैं। तो इस नज़र रखते हुए हम लोगों ने 20 मार्च यहाँ पे काउंसलिंग करके लोग, यहाँ की औरतों की मीटिंग ली है, उन्हें यहाँ की जो भी जानकारी दे के जागरूक करने का हमारे पूरा प्रयास किया है ताकि वो आने वाले टाइम में यहाँ पे अपना पूरा प्रोस्टिट्यूट का बिजनेस जो वो करती है वो फ़िलहाल के तौर पे पूरी तरीके से बंद रखें, ताकि उनके आरोग्य के लिए, एक उनके हेल्थ के हिसाब से कैसे, हमें तमाम हमारे फ्रेंड सर्कल, एनजीओ, तहसीलदार, इनकी तरफ से हमेशा हेल्प मिलती आई है। और आज ईद के जैसे मौके पे हम यहाँ पे सेवई शीरखुरमा उन्हें बनाने के लिए, और सना एम्बुलेंस भिवंडी गुड्डू भाई इनकी तरफ से आज यहाँ पे दूध डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है और तहसीलदार साहब की तरफ से यहाँ पे राशन किट भी डिस्ट्रीब्यूट अब किया जा रहा है। मैडम, क्या अपील करना चाहेंगे विशेष तौर पर पेशे से, आप एक डॉक्टर भी है कोरोना वायरस को लेकर? सॉरी, जब तक इसके ऊपर कोई इलाज या कोई लस नहीं निकलती है तब तक हमें हमेशा के लिए ये खबरदारी रखनी है कि हमें ज़रूरत पड़ने पे ही घर से बाहर निकलना है। बेवजह सड़कों पे घूम के पुलिस की और परेशानी नहीं बढ़ानी चाहिए हमें, क्योंकि डॉक्टर और पुलिस लगातार अपनी फैमिली, अपने आप को धोखे में रखते हुए जन सेवा कर रहे हैं, अपने ड्यूटी से भी आगे बढ़ के आज वो काम कर रहे हैं, क्योंकि उनकी वजह से ही हम लोग सेफ है आज। सो हमारा फ़र्ज बनता है कि हम हमारे प्रशासन शासन के प्रति ईमानदार रहे और हर वो रूल्स के नियम पाले जाए, जैसे घर में रहना है, सैनिटाइज करना है, ग्लव्स और मास्क यूज़ करना है, ज़रूरत पड़ने पर ही घर के बाहर निकलना है। बस मैं इतना ही पूरे तमाम आवाम को यही कहना चाहूँगी, क्योंकि भिवंडी में सबसे लास्ट बहुत देर बाद यहाँ पे कोरोना के पेशेंट पाए गए, और मेरे नॉलेज से अभी भी जो भी पेशेंट पाए जा रहे हैं वो आउटसाइडर है, भिवंडी के कोई भी नहीं है।
तथा मैं भिवंडी के खास लोगों को आह्वान करती हूँ, जागरूक करती हूँ कि बाहर से आने वाले लोगों को आप आमंत्रित मत कीजिए, क्योंकि जो जहाँ है वो वहीं सेफ है। अगर ट्रैवलिंग में ये प्रॉब्लम होती है कोरोना वायरस की, तो भिवंडी में भी आने वाले टाइम में काफ़ी तादाद में पेशेंट बढ़ सकते हैं। आज के लिए फिलहाल इतना ही, कल फिर मिलेंगे किसी नए खबर के साथ। तब तक के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, जनता की आवाज़ टीवी न्यूज़। धन्यवाद।